Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब चैनल प्रिंसेस साविका। आप कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे नूडल्स बनाना सिखाऊंगी। कहीं से आप लोगों के बीच में से कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं, या अगर आपको पानी छोड़ना हो तो वो नहीं रहता या पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो नूडल्स तो उम्मीद करती हूँ कि सब ही खाते होंगे, बड़े से लेके छोटे तक सारे बच्चे नूडल्स खाते होंगे और बड़े भी। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान जो ट्रिक है, रेसिपी है, वो लाई हूँ। तो यहाँ पे छोटे पैकेट भी मिल जाते हैं और फैमिली पैक भी मिल जाता है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप फैमिली पैक लें या छोटे लें। तो मैंने एक पैकेट बनाना है, वो मैं आप लोगों को अब बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट ले लिया है, अब इससे बड़ा वाला मैंने एक पैकेट लिया है। अब हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉर्न नूडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है। आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कढ़ाई में बनाएं या फ्राई पैन में बनाएं। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, फुल आंच पे हम लोगों ने बनाने हैं। इधर मैंने 2 कप यानी कि 1 गिलास हम लोग पानी ले लेंगे। अगर आप कप से नापें तो वो मैंने 2 कप लिए हैं। मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जब भी आप नूडल्स बनाएँ तो 1 गुना पानी ज़्यादा लें। अब मैंने एक पैकेट बनाया है तो हम लोग 1 कप तो डालेंगे, उसके साथ 1 कप मज़ीद डाल देंगे। हल्का सा पानी में बॉयल आ जाएगा, फिर हम लोगों ने अपने नूडल्स डाल लेने हैं। यहाँ पे पानी बॉयल हो गया है इसमें, तो अब हम लोगों ने तमाम नूडल्स अच्छे तरीके से इसमें डाल देने हैं और इन्हें अच्छे से आप लोगों ने तोड़ लेना है, ठीक हो गया। इसके अंदर से एक मसाला भी निकलता है, उसे हम लोगों ने साइड पर कर लेना है। और जब हम पानी में ऐड कर देंगे अपने नूडल्स, तो इसे हम लोगों ने एक जगह चला लेना है ताकि सारे जो नूडल्स हैं पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो जब इस तरीके से अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर हम लोगों ने अपना मसाला जो था उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने अपना सारा मसाला ऐड कर लेना है। थोड़ा सा मैंने बचा लेना है जो मैं एंड में बिल्कुल डालूँगी। मसाले डालने के बाद अब आप लोगों ने इस तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लोग मसाला डालेंगे और साथ चिली फ्लेक्स भी डाल दें, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम लोग खाते हैं, तो अगर आप लोगों ने स्पाइसी नहीं खाने तो चिली फ्लेक्स ना डालें। जो अंदर इसका पैकेट निकलता है मसाले का, सिर्फ वो ही डाल दें तो वो भी। इधर मैंने चिली ही पाउडर ले लिया है, ठीक है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। अब जब नूडल अच्छे से इनमें बॉयल आ जाए और नूडल्स गल जाएँ, तो आपने जो बाकी का मसाला था जो हम लोगों ने बचा लिया था वो भी इसमें ऐड कर देना है। और बस यहाँ पे हमारे नूडल्स बनने ही वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अगर अब आप चाहते हैं कि इसमें हम लोग पानी छोड़ दें तो इतना आप लोग छोड़ देंगे तो आप लोगों को काफ़ी होगा। अब मैंने इसे बिल्कुल एब्जॉर्ब करना है, लेकिन आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है कि अपना चम्मच जो है वो चलाते रहना है, क्योंकि बीच में लग जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जलाना नहीं है और अपने स्पून पर चलाते रहना है अंदर नूडल्स में, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप पानी छोड़ना चाहें तो फिर आप लोग हल्का हल्का चलाएं और जब फ्लेम को स्लो कर दें यानी कि ये मीडियम कर दें। अभी हम लोग फुल तेज़ आंच पका रहे हैं, हमने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करना है और इसमें पानी जो होगा वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों ने ज़रूर उसे घर में ट्राई करना है। वैसे हर बच्चा ही ट्राई करता होगा क्योंकि उसे तो नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, बच्चों के जो नूडल्स जान होते हैं उन्हें तो बहुत ही नूडल्स के बगैर तो दिन ही नहीं गुजर रहा होता। तो इस तरीके से आप लोगों ने चलाते रहना है। अगर आप लोगों को और मेरी वीडियोस चाहिए, जो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर तमाम वीडियो लेके आऊँगी। अब बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है और शेयर भी करना है। तो नूडल्स यहाँ पर हमारे बन गए हैं। अब हम लोगों ने बिल्कुल फ्लेम को ऑफ कर देना है इस तरीके से। देखिए, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी और अब आप अपनी प्लेट या बाउल में जिसमें भी आप खाते हैं उसमें आप लोगों ने निकाल देना है। यहाँ पे हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। ये धुआं भी अच्छे से निकल रहा है, तो हम लोगों ने 2 बाउल में से कर लिया। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।